Professor Dr. Khadija Qureshi, Chairperson, Chemical Department, Mehran University, Jamshedpur. I have one question. Being a human being, we keep on doing sins, and then we ask forgiveness from Allah, and we keep praying to God that Almighty Allah, please forgive us. How do we know that Allah has accepted our forgiveness? तौबा करते हैं, हमें ये कैसे मालूम होगा कि खुदा हमारी तौबा कबूल कर रहे हैं? यही आपका सवाल है। ये सवाल है आपका? जी। हाँ जी। देखिए, इस सवाल में शक करने वाला मुसलमान नहीं होता। इस सवाल में शक करने वाला, क्योंकि तौबा हमारी है नहीं। मैं अर्ज करूँ कि तौबा हमारी है नहीं। अगर तो हमने इस इंस्ट्रूमेंट को अपने अंदर से निकाला होता तो फिर हम ज़रूर कहते कि पता नहीं खुदा कबूल करेगा कि नहीं करेगा। ये तो तौबा दी हमें अल्लाह ने, और द ओनली सॉल्यूशन ऑफ आवर ऑल मिसगिविंग्स गॉड हैज ग्रांटेड अस कि इस चीज़ से आप खसारा पूरा करें। और इसका पहला सबूत मैंने आपको पहले लेक्चर में दिया है कि इसे रोते भीगते आँखों से आंसुओं से भीगते हुए इंसान को उसने कहा फ़तलक का आदमो मिर रब काले मार्टिन, कि मैंने लफ्ज़ भी सिखाए कि इस तरह तौबा कर लेना। आगे उसने सबूत करके इन्नहु तव्वाबुर रहीम, इसमें कोई किसी किस्म की उसने तख़सीस नहीं की कि मैं ज़रूर तुम्हारे गुनाह बख्शूँ। अब इसके बाद कुछ कुरान की ऐसी आयात हैं कि जिससे पता लगता है, एक हदीस रसूल है और एक कुरान की आयत पर ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा तवील नहीं करूँगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने तौबा की वो माँ के पेट से ताज़ा चना। आप बताइए इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती कि जिसने तौबा की वो माँ के पेट से ताज़ा चना, यानी उसके सारे हिसाब पीछे फर। अब एक और कौल मुबारक परवरदिगार आप सुनो, उसने फरमा कि मेरे मेरे पैगंबर इन बंदों को कह दो, इनको कह कुल या अय्युहल्लज़ीना आमनु अशरफ़ुअलानफ़ुसिकुम, तुमने बड़े गुनाह किए, छोटे नहीं किए, बहुत बड़े बड़े तुमने अपनी वेस्टेज कर दिए टोटल। एक सबसे बड़ी वेस्टेज ना करना, सबसे ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तमाम गुनाह अगर मिला लो ना 70 साल के, 70 साल के गुनाह जो रहमत वो ऑफर कर रहे हैं ना, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, वो कोई 2-4 साल की नहीं है, वो बिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन सालों, आपका तो गुनाह नज़र ही नहीं आएगा उसको, है कहाँ। मगर चूंकि उसने आपकी आगे उसने रूल दिया है, उस रूल में कोई आलिम कोई दानिश्वर किसी किस्म की तफरीक नहीं कर सकता कि इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीया। अब देखो, इस सीधा साधा सा फिक्रा है, इसमें कोई इसके साथ कोई जुज़ नहीं बंधा हुआ कि तुम्हारा रब हुआ, फिर उसने इन्नल्लाह कहा, बेशक विदाउट एनी डाउट, ये सुन लो, वो बार बार इसकी बड़ी सख्ती से कह रहा है, जैसे आज के तुम लोग मुझ पर शुबा करते हो कि मैं तौबा नहीं कबूल करूँगा, और मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीया, मैं तमाम गुनाह माफ करूँ, नो एक्सेप्शन। क्यों करता हूँ? इन्नहु वल गफूर रहीम, अगर मैं ना कबूल करूँ तो मैं गफूर रहीम नहीं रहता, मेरे तो वो तो साफ कहता है इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमिया। मेरे शेख मुर्शद सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी से किसी ने पूछा, उसने कहा ये गुनाह और इसका है कि हो सकता है कि किसी खुदा के बड़े नेक बंदे से भी गुनाह हो जाए और बल्कि 70 मरतबा हो जाए तो भी खुदा उसे बख्शता है। और हमारे रसूल का इरशाद तो बिल्कुल वाज़ेह है ना, जब इतनी बड़ी वजाहतें मौजूद हों, शक करने वाला एक मशकूक दीन का मालिक होता है। आइंदा ना करना बिल्कुल, कि दुआ इज़ एन एक्सेप्शन इन तकदीर। बस अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तकदीर में फ़र्क डाल सकती है तो वो दुआ है। और किसी के यही हाल मैंने आगे बरगड़ी साहब को बताया है
कि जब नबी अलैहिस्सलाम ये कह सकते हैं, लेकिन जब आयतुल कुर्सी भी पढ़ते हैं तो कहते हैं मनज़ल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, इल्ला बिइज़्निही के लफ्ज़ बताता है कि एक एक्सेप्शन मौजूद है कि जिसको खुदा इजाज़त दे वो एक्सेप्शन डाल सकता। एक बड़ी नॉर्मल सी बात है कि बरा बिन मालिक जब आए हुजूर के पास तो गर्द से अटे हुए थे, जूतों पे बू आ रही थी, लिबास सॉफ्ट पहने हुए थे, तो बड़े बड़े साहब ने नाक ज़रा सकोड़े क्योंकि उनका ख्याल था कि ये मैनरिज्म अच्छा नहीं है, इस तरह रसूल अल्लाह के पास आना अच्छा नहीं है, उसको दो धला के साफ सुथरा होकर। तो हुजूर ने महसूस कर लिया कि ये कुछ असहाब ने इसको इनडिसेंट गिना है, तो आपने बताया क्या फरमाया कि कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे ही हैं कि जिनके लिबास जो हैं उनसे बदबू उठती है, जिनके जूतों पे गर्द पड़ी होती है, मगर अगर ये खुदा की कसम उठा लें तो अल्लाह हर हाल में उनकी कसम पूरी करता है। अब ये देखिए क्या वाकया पेश और कहाँ पूरा हुआ कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता मुसलमानों पर तो लोग कहते हैं बरा बिन मालिक को कसम उठाओ ना कि आज हम कामयाब हो गए। एक ऐसा हुआ कि जब मुसलमा कज़ाब के साथ आखिरी दिन मुसलमान रहे थे, बहुत सारे ज़ख्मी, 1000 बंदा सिर्फ तीरों से ज़ख्मी हो चुका है, तो फिर खालिद बिन वलीद और दूसरे वो जंग लड़ वो कमांडेंट थे, तो एक फिर गए मुसलमान हजरत बरा बिन मालिक के पास। मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो लोग क्या थे जिनके लिए ये बात आती है, तो उनसे कहा बरा आप दुआ करो ना, आपको अल्लाह के रसूल ने ये दुआ दी है कि जब बरा बिन मालिक कसम उठाएगा तो अल्लाह हर हाल में उसकी कसम पूरी करेगा, तो उठाओ आज कसम कि ये आज किला हम फतह करें। तो बरा बिन मालिक रो पड़े, कहने लगे तुमने खुदा के रसूल को मेरे हक में दुआ को मजाक समझ लिया, मैं कसम खाता हूँ कि आज हम ये किला फतह करेंगे और मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज शहीद हो जाऊँ। और वो वही हुआ, वो शहीद हो गए और मुसलमान मारा गया, कज़ाब फना फिनार हुआ। अब देखो ना ये हम लोगों के ये कैलेबर नहीं जानते होते कि उन्होंने जब ये देखा कि रसूलुल्लाह की इस करीमाना दुआ को ये लोग जो है गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं कसम उठाता हूँ कि आज किला ज़रूर होता होगा, मगर ये तुमने जो शुरू किया है ना मेरे साथ, मैं कसम उठाता हूँ कि मैं आज शहीद हो जाऊँगा, और वो शहीद हो गए उससे। तो ये बाज़ूकात हम लोग छीनना चाहते हैं, मैं अल्लाह से क्यों राइट छीनूँ उसके बख्शने का, जब मुझे ये कहेगा ना ये नहीं माफ़ हो सकता, तुमने बहुत पलीद हो, बड़े बुरे हो, मैं कैसे छीन सकता हूँ, मैं अल्लाह जैसी मालूमात नहीं रखता, मेरे इल्म पर उसका इल्म मुहीत है, मैं तो उसे जानता ही नहीं हूँ। अगर मैं किसी आउटफील्ड के बंदे को ये बद्दुआ देता हूँ कि तू बड़ा जालिम है, तो मैं आपसे पहले भी कहा कि हमारी एक केमिस्ट्री है, एक तरह बने, अगर अल्लाह ने उस पर नहीं इतनी नज़र इकरम फरमाई, या वो क्या पता हुआ वो अगर तौबा करता तो कितना अजीम होता, कितना बेहतर होता। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक क्या कर रहे थे वक्त के सबसे बड़े इमाम होने से पहले, क्या कर रहे थे हर रोज़ एक खातून की तलाश में उनके खिड़की के नीचे खड़े, वो खातून भी वो नहीं जो पेशावर थी, उसके खिड़की के नीचे खड़े रहते, साल हा साल बीत गए, जब एक दिन रात से खड़े हुए और सुबह के वक्त अजान की सदा आई तो उनके दिल में आई क्या इब्ने मुबारक कमाल है, तैनी तू सारी रात इसकी खातिर तो तू खड़ा रहा, तू एक रात अल्लाह की खातिर नहीं खड़ा हो सका। तब के बाद वो आलम इस्लाम का सबसे बड़ा वली, सबसे बड़ा फकीह हुआ अब्दुल्ला बिन मुबारक। फजैल बिन अयाज को देख लीजिए, हजरत फजैल बिन अयाज को, तो जो वक्त के आइम्मा के इमाम थे और सबसे बड़े उस्ताद और मुर्शिद थे, हारून रशीद के ज़माने में ये हुए, तो वो डकैत थे, रस्तों में चोरियाँ काटना, माल खाना, बंदे मारना। फिर एक दफ़ा डाके के दौरान एक खेमे से गुजरे जहाँ वो एक शख्स कुरान पढ़ रहा था बिला खौफ व खतरा, और उसकी आयत ये कह रही थी क्या वक्त नहीं आया कि ये जो अहले दिल हैं ये समझें कि कौन खुदा की इबादत करता और किसकी इबादत का मकसद क्या होता है। वहाँ से पलटे
और ज़माने के सबसे बड़े सूफी थे. सो वी डोंट नो एक्चुअली, हम उस एक्सट्रीमिटी को जानते हुए उसे बुरा समझें, मगर एक्सट्रीमिटी तो पलट के सबसे बड़ी हो जाती है, इसलिए हम नहीं जानते. सो ऑल वी कैन प्रे इज फॉर अस एंड ऑल वी कैन प्रे फॉर अदर्स. देखा हमसे बड़ी, ये जो कुरान पढ़ा जाता है ना, ये बड़ा फ़र्क डालता है. ये तो दो पैगंबरों में भी फ़र्क डाल देता है. आपको पता है हज़रत दाऊद ने एक फ़ैसला दिया, फिर वो ज़्यादा बेहतर ना समझा गया, फिर हज़रत सुलेमान ने फ़ैसला दिया, तो अल्लाह ने बड़े एक छोटा सा जुमला कुरान में लिखा, फ़हमना सुलेमान. फिर कहा फ़हमना, हालांकि ये हज़रत दाऊद के मुकाबले में दिया, वो भी पैगंबर थे, मगर जब सुलेमान ने फ़ैसला दिया तो अल्लाह ने लिखा फ़हमना सुलेमान, हमने सुलेमान को फहम अता किया था. ये कोई निराली चीज़ है अकल से, मगर कोई चीज़ है जो खुदा डालता है, इसलिए फरमाया फ़हमना सुलेमान, हमने उसको फहम अता किया. हज़रत अली करमल्ला वजह से किसी ने पूछा, क्या अहले बैत को कोई और भी कुरान दिया गया? तो आपने फरमाया रब काबा की कसम है, एक एक लफ्ज वही है जो तुम पढ़ते हो, एक एक हरफ वही है, एक नुक्ता ब नुक्ता, मगर ये कि हमें हमें अल्लाह ने कुरान का फहम ज़्यादा अता किया. फहम ऐसे कि सीनिए कि जिसको डिस्क्रिशन कहते हैं, जैसे खालिद बिन वलीद बड़े जनरल थे ना, तो रोमल से किसी ने पूछा तुम्हारा आइडियल कौन है, कहता खालिद बिन वलीद. कहते भाई तुमने यूनिवर्सिटियों में नहीं लगाया? उसने कहा इस किस्म का कोई हुक्म यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकता, क्यों, अगर वहाँ जाएगा लोग समझेंगे हम पागल हैं. कि जो भी फैसला किया उन्होंने अपनी जगह पर एक स्ट्रेटजी से किया और बहुत बुलंद वाला किया, मगर उसको हम कानून की तरह नहीं पढ़ा सकते. बस कोई दुनिया का कानून किसी फौज की नहीं कि दो लश्करों को इकट्ठा होना तो फिर उनसे लड़ना, जबकि तुम तादाद में कसीर हो. तो खालिद ने जब कहा गया कि आज रास्ते में रोको, क्यों नहीं ज़रा इनको जमा होने दो, फिर जब इकट्ठा किया उसके बाद वो बड़े खुश थे, बड़े डांस कर रहे थे, नाच रहे थे कि हम तो बहुत ताकतवर. उसी वक्त खालिद ने हमला करके उनको शिकस्त दे. तो ये अल्लाह दैट सम पीपल आर, अभी भी आप देखो एक जब जाओगे तो जब जर्नैलों का जिक्र पढ़ोगे तो वो जो उस पर कमेंटेटर है ना जो बार का, तो वो ये लफ्ज़ बोलता है साथ से कि आई डोंट नो व्हाट वाज ही, कि दुनिया की हर महारत उसमें जंग की क्यों किस तरह की जमा हो गई, आई डोंट नो. मगर मसला ये होता है कि हम ये चीज़ों में हम तजाद किसी वक्त, अब देखो गैलीपोली की जंग में जनरल वॉन सैंडर्स जो था जर्मनी का, वो हथियार फेंक के निकला था खलीफा को. उन्होंने कहा देर इज़ नो वे दैट वी कैन विन नाउ दिस बैटल एंड आई एम सॉरी आई कैन नॉट डिफेंड टर्की एनी मोर, आई एम लीविंग. तो खलीफा ने अब्दुल अमीन ने उसे कहा कि देर इज नो नो बडी लेफ्ट जो इस जंग में सा. उन्होंने कहा मूसल के ब्रिगेड का कमांडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा है, उसको बुला लो, मेबी ही मे डू गुड. ये वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था कि जिसने दूसरा गलत फैसला किया कि 20,000 6 लाख के मुकाबले में, रिमेंबर 6 लाख आर्मी उस पर चढ़ी हुई थी और 6 महीने नहीं ये 6 दिन का इनका था टोटल फतह करके हम इस्तांबुल को ले लेंगे. इट लास्टेड फॉर ईयर. और वो जो उसने आते साथ ही एक जुमला कहा सर, जब वो मुस्तफ़ा को 20,000 रिजर्व को बुला के जो टॉप रैंक के जो फाइटर थे ना आगे उनको पीछे बुला लिया और 20,000 रिजर्व आ गए. नो जनरल वुड डू दैट, क्योंकि रिजर्व तो वैसे ही कमज़ोर तबका, जो असली फाइटर थे उनको. तो जब अगले दिन निकला तो उसके हाथ में एक बेटन थी छोटी सी, ऑर्डर ऑफ द डे ये था टर्क्स इट्स योर लैंड नाउ, बस ये ऑर्डर. वो कितने महीने आगे चली, कितने उसमें कत्ल वगारत हुए, जनरली 2 लाख. ये ब्रिटिश का जो झूठ बड़ा बोलते हैं, मगर जो एक अंग्रेजी मुआरख है ना जिसमें उस पर लिखा कि आज भी अगर बॉस्फोरस की रेत में तुम्हारा पाँव ज़रा गहरा लग जाए तो किसी अंग्रेज़ की खोपड़ी निकल आती है, समझ.
इसलिए बात चीज़ें इंसान के हमें पता नहीं लगती, वी डोंट नो व्हाट इज इन साइड द माइंड। अल्लाह ने उसे किस किस महारत से नवाजा, वो किस वक्त निकलती है वो। सो दिस पासिंग टू अर्ली, अगर कोई शख्स बड़ा बेईमान है, बड़ा झूठा है, तो मैं उस वक्त का इंतज़ार करता हूँ जब उसका दिल बदल जाए। मैं कहता हूँ यार हमें नहीं पता, हम तो नॉर्मल रूटीन से चलते हुए को खुदा तक आ गए ना, ये अचानक कहीं से निकल आया तो इसने सारों को मार दे के आगे निकल जाना। ये बातें अल्लाह के इल्म में हम